की हमारी रेसिपी सोयाबीन एंड कॉर्न चीज कटलेट। तो हमने ये सोयाबीन को 5 मिनट के लिए बॉईल किया और उसका पानी स्क्वीज करके हमने निकाल के रखा है। ये सारे सब्जी हमको लगेंगे, आप चाहे तो इसमें और भी बीन्स भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर और हल्दी मिर्ची पाउडर है। अब हमको सोयाबीन को जार में डाल के थोड़ा सा इसको ग्राइंड करना है। डालेंगे इसको जार में, ये तुरंत होता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हुआ है। ये हो गया तो हम अभी इसको बॉल में ट्रांसफर कर रही हूँ। और वैसे कॉर्न को भी थोड़ा सा हम ग्राइंड करेंगे, ज़रूरत नहीं है मगर मैंने किया है, होल भी डाल सकते हैं। अब इसमें मिलाएंगे हम कांदा। कांदा मिलाने के बाद में ये हरा धनिया है, हरी मिर्च है, मैंने लहसुन लिया है और अदरक, ये पुदीने के पत्ते हैं, ये पालक लिया है मैंने, इसको स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं, और ये मटर, पटेटोस दो लिया है, ये बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है। इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, खट्टाई के लिए नींबू भी लिया है मैंने। नमक तो जरूर डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी मिलाएंगे। और उसके बाद धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। तो ये सारा अभी हम मिलाएंगे। इसको राउंड शेप दे सकते हैं या तो फ्लैट भी बना सकते हैं। अब इसको लास्ट में हम लोग मिलाएंगे चीज। अब इसको हम शेप देंगे। अगर ये मिक्सचर अगर पतला है लगता है आपको तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, मैंने ये बाद में मिलाने के लिए रखा है जो रोल करूंगी। एक स्पून कॉर्नफ्लोर एंड 1 स्पून मैदा, इसका हमने पेस्ट बना के रखा ताकि इसको डिप करना है। पैन को रखा है गैस में, अभी और साइड में ब्रेड क्रम्स भी रखा है ताकि उसमें रोल करेंगे हम। ये ब्रेड क्रम्स घर में ही बनाया है मैंने, आप भी बना सकते हैं। इस तरह से इसको रोल करके एक एक हम पैन में डालते जाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अभी एक तरफ से फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट, दूसरी साइड में भी इसको अभी फ्राई करते हैं। ये हो गया है, इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसके साथ में खाने के लिए मैंने बनाया है हरी चटनी, आप टोमेटो केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।